क्यों मारा मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने राघव को मुझसे दूर किया, तो अब मैं तुम्हें राघव से दूर करूं। तुम्हारे वजह से मैंने अपने पल्लवी को खोया है। इतने आसानी से तेरे को यहाँ से जाने नहीं देगा मैं। ईशा? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? अरे मुझे लगा तुम घर में वापस आकर खुश होगी। मैंने भी ऐसे ही सोचा था सनी, कि राघव को पाके आई विल बी द हैप्पीएस्ट। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था और ना ही मेरे प्लान का हिस्सा था। और अब वो चीज मुझे बहुत डरा रही है सनी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन हुआ क्या ईशा, तुम डर किससे रही हो? एक्चुअली तुमने मुझे जब कहा कि पल्लवी राघव से मिलने आई है, तो मैंने सुमित से कहा था कि वो पल्लवी पर नजर रखे। फिर उसने मुझे बताया। क्या मतलब जो कुछ वारंगल में हो वो सब तुम्हारा प्लान था? मानना पड़ेगा ईशा, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। सनी, कभी कभी अपना प्यार पाने के लिए कुछ ऐसी मुश्किल चीजें करनी पड़ती हैं। वो सब तो ठीक है ईशा, लेकिन ये सब करने के लिए कट चाहिए होते हैं। मुझे लगा इस गेम का कैप्टन तो मैं हूँ, लेकिन तुम तो कोच निकली। तुम तो गेम अकेले खेल रही थी। नहीं सनी, मैं अकेली नहीं थी। तुमने बहुत साथ दिया है मेरा, और शायद इसी वजह से आज मैं राघव के साथ हूँ। लेकिन मैं कोच होकर भी खुश नहीं हो पा रही हूँ। मैं राघव के साथ होकर भी उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ सनी। इस हॉन्टेड घर में नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन राघव ने मुझे धमकी दी है कि मेरी वजह से पल्लवी उससे दूर गई है, और अब वो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगा। और सच कहूँ सनी, मैं खुद भी राघव से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन ये पल्लवी का भूत शायद हम दोनों को कभी एक होने ही नहीं देगा। ये पल्लवी मरने के बाद भी मुझे शांति से नहीं रहने दे रही है। एक सेकंड ईशा, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये तुमने पल्लवी को लास्ट कब देखा था? 17th नवंबर। What? उसके बाद तो खुद मैंने पल्लवी को अपनी आंखों से देखा है। वो चोरी चुपके से घर से बाहर निकल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सनी, तुमने भी पल्लवी का भूत देखा होगा। What? अरे ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा पल्लवी को जाते हुए। वो कोई भूत नहीं था। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, और राघव ऐसा नहीं कर सकता है। और सनी, मैंने तो पल्लवी को खुद अपने हाथों से गोली मारी है। मेरे सामने उसकी डेथ हुई थी। अगर तुम्हें सच जाना है तो तुम्हें देशमुख हाउस जाना पड़ेगा। अगर पल्लवी जिंदा है तो वो तुम्हें वहीं मिलेगी। अरे ये क्या तरीका है? बहनी ने तो साफ साफ कहा था ना कि महाराष्ट्र स्टाइल खाना बनाना है, तो इसने साउथ इंडियन खाना क्यों बनाया? इसे तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पर क्यों? जब बहनी ने इस राउंड के बारे में समझाया था तो उन्होंने कोई स्पेशल डिश बनाना है ऐसा नहीं बताया था। बहनी ने सिर्फ इतना बताया था कि खाना बनाने का कॉम्पिटिशन है। वो तो इन्होंने शर्त रखी करके वहिनी को मानना पड़ा। अब क्या पता उसके पीछे इनकी कोई वजह हो सकती है। क्या वजह? कोई वजह नहीं है। देख लो तुम लोग, किसे ड्रामे कर रही है ये? अभी से ही घर में झगड़ा लगवा रही है, खुद ही रूल ब्रेक करी और हमें पाठ पढ़ा रही है। मैं कोई झगड़ा नहीं लगवा रही हूँ, ये तो कुकिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें तो कुछ भी बना सकते है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप बस टेस्ट पे जज कीजिए। वैसे की बात तो सही है, काकू ने कोई स्पेसिफिक और स्पेशल डिश बनाने तो नहीं बोला था। हाँ। तो हम टेस्ट के हिसाब से जज करेंगे। तुम लोग क्या इसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ रहे हो? हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, और हम फेयर बात कर रहे हैं। और किसी को डिस्क्वालीफाई करने के बजाय हम टेस्ट करके डिसाइड करेंगे। ओके,
हमने दोनों भी डिशेज टेस्ट कर ली है और हमने ये डिसाइड किया है कि हमें सबसे ज्यादा साउथ इंडियन खाना पसंद है। पर आपको सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा फाइनल राउंड है ही नहीं। तो फिर फाइनल राउंड हमारा वोटिंग राउंड होगा। हाँ। जिसमें फैमिली के सारे सदस्य मिलकर वोट करेंगे और जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वही हमारा विनर है। राघव, हमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था लेकिन पता नहीं पूरा होगा या नहीं। हमें ईशा का कन्फेशन चाहिए लेकिन हम अभी तक उसे सिर्फ डरा ही पाए। और वो ईशा इतना डर गया है कि घर छोड़ के जाना चाहता है। गुस्सा करके उसको मेरे को रोकना पड़ा। अब इससे पहले दोबारा घर छोड़ने का सोचे हैं, उसको कन्फेशन पॉइंट पर लाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे वो सच बोले, जो हम सब लोग जानते हैं। एग्जैक्टली, हमें जल्द से जल्द वो तरीका ढूंढना होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मैं ईशा को घर लेकर आती ही नहीं तो आज ये सब होता ही नहीं। पल्लवी, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तुम तो सिर्फ एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ लड़की को हेल्प किया है। तुमको क्या पता था वो लड़की इतना बड़ा प्लेयर निकलेगा। पल्लवी, लाइफ में पीछे मुड़कर देखना और कहना कि एक बहुत बड़ा गलती हो गया, ये बहुत इजी है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि उस टाइम हमारे लिए यही डिसीजन कितना डिफिकल्ट था। हमने तो तब का सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया था। सो प्लीज, खुद को कल्प्रिट मत समझना। हमने इतने सारे लड़ाई साथ मिलकर लड़े, तो ये भी लड़ लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। घर पे सब लोग वेट कर रहे होंगे। मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वो चोरी चुपके से घर से बाहर निकल रही थी। हेलो। हाँ सुमित। क्या हाल चाल ईशा, रानी बनकर मजा आ रहा है या नहीं? रानी माय फुट, यहाँ पर पहले इस हॉरर स्टोरी से डील कर लूँ मैं। इस पल्लवी के भूत से छुटकारा पा लूँ तभी तो जाके रानी जैसे फील करूंगी ना मैं। पल्लवी का भूत? सीरियसली, तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए सुबह से और कोई मिला नहीं क्या? या ये सब बोल के तुम मुझे पैसा नहीं देना चाहती हो? सुमित, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है कि तुम्हें पैसे नहीं देना है। तो इसलिए प्लीज तुम ऐसी बकवास बातें बंद करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है। ऊपर से ये सनी एक नई स्टोरी समझा के गया मुझे। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सनी की स्टोरी? क्या बोल रहा है सनी? वो सनी कह रहा था कि मैं देशमुख हाउस जाके देखूं कि पल्लवी वहां पर है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है सुमित, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या राघव मेरे साथ ये सब कर सकता है? पता नहीं, बट मुझे लग रहा है अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार देशमुख हाउस जाकर देख लो। अगर पल्लवी होगी तो वहां जरूर मिलेगी। सही कह रहे तुम, मैं एक बार वहां जाकर देखती हूँ। तुम्हारा आइडिया लास्ट राउंड में तो काम कर गया, मगर तुम्हारा वाइफ बहुत सैड लग रहा था। क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि वो ये राउंड हार गई, मुझे हरा नहीं पाई। फिर अपसेट तो होगी क्योंकि उसके लिए गेम, हार जीत यही सब कुछ ज्यादा मायने रखता है। परिवार, पति, इन सब से तो उसे कोई मतलब है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है वोटिंग राउंड में मैं जीत पाएगा? क्या तुम्हारी फैमिली मुझे चूज करेगी? ये तो मुझे भी नहीं पता, जबकि मैं ये खुद ही जानना चाहता हूँ कि परिवार वाले कौन सी सुलोचना को पसंद करते हैं।
उसे या फिर तुम्हें। काश इस सब के बाद सुलोचना को यह समझ आ जाए कि ऐसे छल कपट करके लाइफ के स्टूपिड गेम्स तो जीते जा सकते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं। आई होप इसके बाद तो सुलोचना को अपनी गलतियां रियलाइज हो, क्योंकि अगर इस बार ऐसे नहीं हुआ तो जिंदगी में फिर कभी भी मैं उसे ये सारी बातें समझा नहीं पाऊंगा। पता नहीं ये नाटक कब खत्म होएगा। वेंकटेश्वर सब कुछ जल्दी ठीक करे। अम्मा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। राघव और पल्लवी का प्लान बहुत अच्छा है और ये ईशा भी अभी टूटने वाली है। अब देखना कि ईशा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वाह, तो ये सब चल रहा है इस घर में। हाँ, मुझे शुरू से शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब पता चला कि तुम लोग ईशा को भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। सनी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम? कि तुम्हारा भाई राघव कितना महान है, कि ये जो सब कर रहा है सब सही कर रहा है? हाँ एग्जैक्टली, मैं यही समझाऊंगी तुम। अच्छा, ये सब छोड़ो, एक चीज बताओ, तुम अपने भाई की इतनी सगी कब से बन गई कि अपने पति से बात छुपा कर तुम राघव पल्लवी का साथ देने लग गई? तेरा तेरे भाई से रिश्ता हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गया क्या? नहीं सनी, सनी देखो तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं तो सिर्फ ईशा के केस में उनकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये ईशा ना बहुत बड़ी फ्रॉड है सनी, और जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी ना तब तो खुद समझोगे। क्या क्या सच क्या है, मैं भी तो जानू जरा, बताओ ना क्या सच है। यही कि वो ये सब कुछ नाटक कर रही है, वो सब भाई को फंसाने की प्लानिंग है उसकी। अच्छा, और ये सब तुम्हें राघव ने बताया होगा राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो क्या गारंटी है राघव सच बोल रहा है? हो सकता है ईशा से पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा हो ये सब। सनी भाई झूठ क्यों बोलेगा? कि हमें भी तो अलग करने की कोशिश करी थी उसने, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं था राइट? वही सीन ईशा के साथ है, जिस तरह से उसने मेरे खिलाफ तुझे भड़काया था वैसे ही वो तुझे ईशा के खिलाफ भड़का रहा है। तू भूल रहे कि राघव पल्लवी बहुत बड़े मैनिपुलेटर से कीर्ति। सनी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊं, मैं वही कह रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। तो ठीक है, मैं भी अब वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि मुझे तो मालूम था शुरू से कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए मैंने ईशा को देशमुख हाउस भेज दिया चेक करने के लिए, और अब मैं उसे फोन करके सब बताने वाला हूं। पल्लवी, ईशा का पेट आउट हो गया है, देशमुख हाउस आ रहा है तुमको चेक करने के लिए, तुम प्लीज सेफ रहना। क्या पर कैसे? वो सब मैं तुमको बाद में समझाएगा, यू जस्ट मेक श्योर वो तुमको ना देख पाए। ओके? हाँ ठीक है, सब बात है। प्लीज तुम समझने की कोशिश। ये सब क्या हो रहा है? आइए साले साहब, आप भी आइए। जितनी मर्जी कोशिश कर ले राघव, पल्लवी को नहीं बचा सकता तू। तुम सबका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा मैं। सनी फॉर गॉड से एक बार अपनी नफरत साइड में रखकर इस सिचुएशन के बारे में सोचो। उस ईशा ने इस घर के साथ साथ राघव पल्लवी के साथ बहुत गलत किया है, पर हम ये सब जो कुछ कर रहे हैं ना वो सब वो डिजर्व करती है। सनी प्लीज एक बार तुम्हारा गुस्सा साइड में रखो और हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट? जो औरत अपने भाई भाभी के साथ मिलकर अपने पति से झूठ बोले उसका सपोर्ट मैं कभी नहीं कर सकता। मैं क्या, मेरी जुत्ती भी तेरा सपोर्ट नहीं करेगी? बात सुन, तू मेरा बहन के साथ ऐसा बात नहीं कर सकता। मेरी बीवी है वो राघव, मैं जैसे चाहूं वैसे बात करूंगा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देखो तुम दोनों आर्ग्यूमेंट मत करो, इससे कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मां आप तो मत ही बोलिए, आपसे क्या बात करूं मैं, आप तो अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो रखी है कि आपको समझ में ही नहीं आ रही क्या सही है और क्या गलत। Enough, सनी! तुम मेरी अम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकते। कीर्ति। अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी अम्मा पर?
जब मेरे साथ भागकर शादी करी थी तब क्या हो गया था? बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। तुम्हारे नकली प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं अपने भाई और अम्मा की बात नहीं समझ पाई। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, गलत हो। अब जाके रियलाइज हो रहा है कि वो दोनों सही थे। कीर्ति! शट अप सनी! जिन लोगों ने तुम्हें रहने के लिए छत दी उन्होंने तुम्हें फ्री में पाला है, एटलीस्ट उनका तो लिहाज करो। शादी करनी है रट लगा रखी थी, क्या किया शादी करके? हाँ, पति होने का फर्ज निभाया? नहीं, बस फ्री में घर जमाई बन के बैठे रहे। अब तो बच्चे के बाप भी बनने वाले हो, उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बच्चे के जरूरतों के लिए भी मेरे भाई के सामने हाथ फैला। कीर्ति! How dare you? नहीं, नहीं। छोड़ दे सनी। इतनी हिम्मत तू मेरा हाथ पकड़ेगी? कीर्ति! ईशा को कैसे पता चला कि तुम यहाँ आओ? वो तो मुझे भी नहीं पता अमृता, राघव ने बस इतना बताया कि ईशा यहाँ आ रही है, बाकी की डिटेल्स वो बाद में देगा। हो ना हो, जरूर उस सनी ने ही कुछ किया होगा। ईशा यहाँ चेक करने आ रही है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। कुछ सोच अमृता, हमें ईशा को दिखाना है कि मैं मिसिंग हूँ, पर कैसे? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वो कभी भी यहाँ आती होगी। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पल्लवियाँ मिल गई और मुझे पता चला कि राघव और पल्लवी मिलकर मेरे साथ कोई गेम कर रहे, तो मैं छोड़ूंगी इन लोगों को। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके बच नहीं सकते ये दोनों। लेकिन आई होप सनी जो कह रहा है वो सब गलत हो, क्योंकि मेरा राघव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, इतने दिन हो गए इंस्पेक्टर, पल्लवी की खबर अभी तक क्यों नहीं मिली? FIR तो कब से फाइल की हुई है, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो पक्का लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो ऐसे अचानक से घर से गायब हुई है। इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि उसके हस्बैंड के एक्स गर्लफ्रेंड ने ही कुछ किया है उसके साथ। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ईशा को, मुझे तो लगता है ईशा के पास पल्लवी के बारे में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। वो राघव को पाने के लिए बहुत डेस्परेट है। मुझे तो लगता है कि पल्लवी की जान बहुत खतरे में है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब सनी जो कह रहा है वैसा नहीं है, पल्लवी सच में गायब है और अमृता मेरे खिलाफ FIR कर रही है। आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए इंस्पेक्टर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्पीड से यहाँ आई थी उसकी डबल स्पीड से भागी है मैडम यहाँ से। पर ये सब कुछ तेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। पर तू इतनी जल्दी इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम लेकर कहाँ से आई? अरे मेरी फ्रेंड है, वो पास में ही रहती है, वो थिएटर में जॉब करती है, तो उसी के पास से ले आई थी मैं। अच्छा, अभी तुमने सोचा है कि ईशा आगे क्या करेगी? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।